सर्दियों के मौसम में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा क्यों होता है, फॉग क्यों होता है? तो एक बात जान लो कि जो फॉग होता है वो लिटरली बादल होता है। जो हम आसमान में बादल देखते हैं वो एक बादल ही होता है जो कि जमीन के सामने होता है। फॉग इक्वल टू क्लाउड, नो डाउट। और ये कैसे होता है? देखो, यहाँ पर हवा है, आपको पता ही है, ठीक है? और हवा में पानी भी होता है, वाटर वेपर। और हवा जब गर्म होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तब तो वो इनविजिबल हवा के रूप में रहता है। पर हवा जब ठंडा होता है तो हवा में जो पानी मौजूद है, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो कि पानी में है, वो भी ठंडा होने लगते हैं। तो ठंडा होने के चलते वो दिखने लगते हैं, विजिबल फॉर्म में आने लगते हैं। और क्या होता है ठंडे के समय कि जब सूरज ढलता है शाम को, तब से लेकर सुबह तक टेम्परेचर पूरा ड्रॉप हो जाता है, ठंडा बढ़ जाता है और वो पीक पर रहता है लेट नाइट में। जमीन भी ठंडा और हवा भी ठंडा, और ठंडे होते होते वो वाटर ड्रॉपलेट सामने आकर विजिबल रूप में आ जाते हैं, दिखने वाले रूप में। व्हेन द ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर दे बिकम विजिबल, अनलाइक वार्म एयर जो कि इनविजिबल है। मतलब हवा का बेहद ठंडा हो जाना, यही कारण है फॉग का। और आपको ये जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आसमान में भी यही होता है। यहाँ से सूरज की गर्मी से हवा ऊपर जाता है वेपर के रूप में, और ऊपर जब जाता है स्पेस की तरफ तो स्पेस तो कोल्ड है, ठंडा है, तो वो बहुत ऊपर जाने के बाद एक बार ऐसा हद पार होता है और वहाँ इतना ठंड होता है कि वो हवा में मौजूद वाटर माइक्रो ड्रॉपलेट्स विजिबल रूप में, क्लाउड के रूप में आपको दिखते हैं आसमान में। और अगर हम लोग फॉग की बात करें तो ये फैक्ट तो आपको पता ही होगा कि जब सूरज आता है तब वो फॉग खत्म हो जाता है, क्योंकि ठंडा अब रहता नहीं, धीरे धीरे टेम्परेचर वार्म होने लगता है। तो वार्म जो है गर्म हवा, गर्म वाटर वेपर, गर्म वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि हवा में मौजूद हैं, वो गर्म हो जाते हैं और फिर से इनविजिबल हो जाते हैं। ठंडा इक्वल टू विजिबल, गर्म इक्वल टू इनविजिबल।